अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स का, जो बीएससी बीए और इसके अलावा बीएस इकोनॉमिक्स जो कर रहे हैं। तो आपको बताया था कि ये एक्सरसाइज बहुत अहम है, आज उसका हम क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। तो बुक का पेज जो है वो 126 है, ठीक है, जो अभी कर रहे हैं बीएससी और बीए। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है क्यू डी इज इक्वल टू 13 - 2p, क्वेश्चन नंबर 1। क्यू एस इज इक्वल टू 3 + 3p, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको हम इसमें से हमने फाइंड करना है। पहले आपको बताया कि p हमने फाइंड करना है, इसके अलावा हमने q फाइंड करना है। तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को बराबर करेंगे, इक्वल करना है। तो क्यू डी इज इक्वल टू 13 - 2p, क्यू एस इज इक्वल टू 3 + 3p। इनको तो फ्री करना है, माइनस करना है, तो इनके नीचे वाली अलामत चेंज होंगी। तो इस तरफ ये कट जाएगा, क्यू डी क्यू एस तो 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 13 में से -3 करें तो 10, 2 माइनस और -3 इज -5p। अब हमें p फाइंड करना है, 5p इस तरफ आ जाएगा, ये नेगेटिव है, इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, 5p इज इक्वल टू 10। तो हमने p फाइंड करना है, 5 को इस तरफ आके डिवाइड करना है। तो 10 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो p इज इक्वल टू 2। तो ये हम इसको हम कहेंगे तोाजनी कीमत। p हमारे पास फाइंड हो गया। अब हमने q फाइंड करना है, तो तोाजनी कीमत को मसवात नंबर 1 में दर्ज करने से क्यू डी इज इक्वल टू 13 - 2p इक्वेशन नंबर 1 है। तो पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 में p की वैल्यू पुट करनी है, जो क्यू डी निकलेगा। क्यू डी इज इक्वल टू 13 - 2 × 2p की वैल्यू इज इक्वल टू 13 - 4, क्यू डी इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास क्यू डी की वैल्यू आ गई। इसके बाद हमने फाइंड करना है क्यू एस, तो वाजनी कीमत को मसवात नंबर 2 में दर्ज करने से क्यू एस इज इक्वल टू 3 + 3p। हमारे पास ऊपर क्वेश्चन दी गई है, तो क्यू एस इज इक्वल टू 3 + 3 × 2 इज इक्वल टू 3 + 6। ये नीचे करना था, इधर किया, ठीक है। तो क्यू एस हमारे पास आ गया 9, 3 + 6 9। हमारा आंसर जो है ये भी 9 है और ये भी 9 है। ऊपर हमने किया हुआ था कि क्यू एस और क्यू डी वो आपस में इक्वल करने हैं, तो हमारे पास साबित हुआ कि क्यू डी और क्यू एस ये बराबर हैं। तो ये हमारा इसका पार्ट 1 था। तो इसका दूसरा करते हैं, इसका हमने आगे नीचे देख सकते हैं, हमने आगे करना है तफाले तलब का गोशवारा। यह मैंने पहले भी बताया आपको कि हम इकट्ठा भी कर सकते हैं तफाले तलब और तफाले रसद का गोशवारा, लेकिन मैंने अभी अलग किया। पहले एक दो क्वेश्चन में मैंने अलग अलग भी किया है और मुश्तरका भी किया है, ताकि आपको समझ आ जाए। तो हमने टेबल बनाना है, पी की वैल्यू जो है हमारे पास है 2, तो वो हमने दरमियान में रखी, इससे एक कम और एक ज़्यादा, अमूमन 3 करना चाहिए, 4 वैसे मैंने किया है। तो पी की वैल्यू हमारे हमने पी की 1 पुट के नीचे वाले लाना है, इधर देखे ना, पी की वैल्यू 2 है और इसको हमने 2 पुट किया, 1 पुट किया और 3 पुट किया। तो इधर हमने 2 पुट किया हुआ है पी की, जिसमें आंसर आया 9, ये देख सकते हैं। तो अब हमने पी की वैल्यू 1 पुट करनी है, क्यू डी इज इक्वल टू 13 - 2p। ये क्यू डी के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें पुट करेंगे 13 - 2 × 1 पुट किया पी की वैल्यू, तो ये हमारे पास आ गया 11, देख सकते हैं आप। तो 11 हमारे पास क्यू डी की वैल्यू आ गई है पी की वैल्यू पुट करने से। तो हमारे पास पुट के नीचे 1 के नीचे हम 11 लिखेंगे टेबल में, तो आगे पी की वैल्यू 2 पुट करने से हमारे पास 9 आया। ये हमने ऊपर भी फाइंड किया था 2 पुट करने से पी की वैल्यू, तो हमने इधर 9 लिखना है। इसके अलावा पी की वैल्यू 3 पुट करने से हमारे पास आंसर आया 7। 13 × 2 3 पी की वैल्यू है, तो 13 - 6 इज इक्वल टू 7। आगे हमने पी की वैल्यू 4, इसका आंसर 5 आया। 4 मूवमेंट नहीं करते, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए, ताकि टेबल थोड़ा सा आपको समझ आ जाए। ये हमने अभी फाइंड किया है, तफाले तलब का गोशवारा बनाया है। पी की वैल्यू 1 भी पुट की है क्यू डी में, पी की वैल्यू 2 भी पुट की है क्यू डी में, पी की वैल्यू 3 भी पुट की है क्यू डी में। क्वेश्चन नंबर 1 है ये वाली जो है। तो आगे हम करेंगे तफाले रसद का गोशवारा। जी अभी हम करेंगे तफाले रसद का गोशवारा। पी की वैल्यू हमने इधर भी 1 भी पुट करनी है, 2 भी और 3, और ये क्यू एस में जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें पुट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है क्यू एस इज इक्वल टू 3 + 3p। तो पहले पी की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 3 + 3 × 1, तो ये हमारे पास 6 आया। अब हमने क्यू एस की जो है पी की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो हमारे पास 9 जो इसका आंसर आया, और पी की वैल्यू 3, ये इधर मैंने लिखा 3 3, तो इसका हमारे पास पी की वैल्यू 3 पुट करने से 12 आया, और पी की वैल्यू 4 पुट करने से 15 आया।
अब हमने पी की वैल्यू 1 के नीचे हमने 6 लिखा, इसके अलावा पी की वैल्यू 2, 9 इसका आंसर आया, 2 के नीचे 9 लिखा, पी की वैल्यू 3 पुट करने से 12 आया, 4। अब हमने तफाले तलब और तफाले रसद का गोशवारा बनाना मुश्तरका, दोनों जो होते हैं, ठीक है। अब हमने टेबल बनाया, तो टेबल में हमने पी 1 2 3 4 पहले हमने फाइंड किया हुआ है, क्यू डी भी फाइंड है, क्यू एस भी हमने जो है, तो पीछे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास आई थी वो आई थी 11975 जो हमारे पास पहले आई है। इसके बाद क्यू एस की ये जो वाली है ये टेबल है, तो 6 9 12 15, तो ये जो है ना पी की वैल्यू जो होती है, पी की वैल्यू वैसे 2 है हमारे पास, तो इसके नीचे जो दोनों वैल्यू होती हैं वो सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास 9 सेम है, तब आंसर हमारा ठीक होगा। तो अभी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक होगा, आंसर बुक में देख भी सकते हैं। अब आगे हमने बनाना है ग्राफ, सही है। तो ग्राफ पहले पी इस तरफ लिखना है, पी तोाजनी कीमत, और इस तरफ क्यू, क्यू डी और क्यू एस जो है वो क्यू, उसको क्यू कहते हैं। तो पी की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4, हम आप देख सकते हैं 1 2 3 4। आगे हमारे पास क्यू जो है उसकी सबसे कम हमारे पास 6 है, और सबसे ज़्यादा जो है वो 15 है। तो 6 से भी हमने वो खाना बनाना है, तो उसमें हमने 3 से इसका रखना है, सबसे छोटा खाना जो है 3 6 9 12 15, ठीक है। तो अब पी की वैल्यू 1 पे क्यू डी कितना है, 11, पी की वैल्यू 1 और पी की वैल्यू 1 है, और ये देख सकते हैं आपने क्यू डी, ये वाला क्यू डी है, ये आ गया 12 से थोड़ा सा पीछे, ठीक है। इसके बाद पी की वैल्यू 2 पे उधर देख सकते हैं 9 है, तो 9 हमारे पास ये है, इसके ऊपर देख सकते हैं आप ये पी की वैल्यू 2, सही है, ये ग्राफ पेपर पर बिल्कुल ठीक होगा। अब हमारे पास पी की वैल्यू 3 पे 7 है, आप देख सकते हैं पी की वैल्यू 3 है, तो 7 हमारे पास ये 6 है, इससे थोड़ा सा आगे ये 7 है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया 3 पे। अब हमने पहले ये जो लाइन खींचनी है क्यू डी की, इस पे इस पे इस पे ये पॉइंट हमारे बन गया, ठीक है, ये हमारे पास क्यू डी हो गया। इसके बाद क्यू एस है, पी की वैल्यू 1 पे 6, ऑलरेडी मैंने ये ग्राफ पहले समझाया हुआ है आप पिछले क्वेश्चन में, पी की वैल्यू 6 पे हमारे पास 1 है, इस पे 6 आएगा, ये हमारे पास। इसके बाद पी की वैल्यू 9, ये पॉइंट जो दरमियान में, इसको ई भी कहते हैं, अभी लाइन खींचेंगे तो पी की वैल्यू 3 पे हमारे पास ये आया है कितना 12, ये देख सकते हैं, सही है। तो ये हमारे पास क्यू एस है, हमने लाइन खींची इधर से, तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया ई, इसे कहते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन इतने तक की था, तो दोबारा एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं, ये टेबल और ग्राफ बहुत ज़रूरी है, इसको गोशवारा कहते हैं ये, तो ये बिल्कुल आसान सा है क्वेश्चन से, पिछले भी इस तरह मिलते जुलते हैं, आगे मुश्किल क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको सॉल्व कराऊंगा। तो इंशाल्लाह आपको, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।